हाँ सखा बाबू, मैं ही आपकी बॉन देता हूँ। ये सच है कि मैं आपके पास वैजंती बनकर आई, पर मैं क्या करती, आप मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहते थे, मुझसे बात भी नहीं करना चाहते थे। सखा बाबू, मैं आपकी बॉन देता हूँ। ये जो मुलाकात है, यही हमारी आखिरी मुलाकात है। ना मैंने आज तुम्हारा चेहरा देखा है, ना फिर कभी देखूंगा। मैं आपके पास वैजंती बनकर आई सिर्फ एक ही मकसद से, कि हमारी दोस्ती हो जाए। वड़कम बैरिस्टर बाबू, मई वैजयंती। और एक बार आप और मैं दोस्त बन जाते ना, तो हम साथ मिलकर कृष्णा नगर और तुलसीपुर के बीच की दुश्मनी को खत्म कर देते। सखा बाबू, मेरी आंखों में देखिए ना, आपको सच्चाई दिख जाएगी। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मेरी बात समझिए। कोई नहीं मान रहा, आप तो मान जाइए ना। नहीं अनिरुद्ध, इसके चलावे में दोबारा बताना, ये वो बॉन्दिता नहीं, ये वो बॉन्दिता हो ही नहीं सकती जिसे हम जानते हैं। संपूर्णा बहू बिल्कुल ठीक कह रही है अनिरुद्ध, ये वो बॉन्दिता नहीं है जो हमारे जज्बातों को संभालती थी। रे, ये तो वो बॉन्दिता है जो हमारे जज्बातों के साथ खेल रही है। धोखेबाज, बेईमान, साजिश रचने वाली बॉन्दिता है ये। नहीं नहीं नहीं, ये गलत है, मैं ऐसा क्यों करूंगी। मैं तो बस बिनोय ससुर जी को हॉस्पिटल लेके जा रही थी। आप ही बताइए, जिस बॉन्दिता को आपने घर परिवार के संस्कार सिखाए, रिश्तों का मूल्य समझाया, जिस बॉन्दिता को आपने दुर्गा माँ की आरती करना सिखाई, उस दुर्गा माँ की आरती के अधिकार के लिए मैं आपके साथ छलावा करूंगी। काका ससुर जी, मेरी बात मानिए, ये सब गलत है, ये सब झूठ। मना किया ना हमने, हम तुम्हारे काका ससुर जी नहीं है, दुश्मन हो तुम हमारी, हमारे दुश्मनों के परिवार की हो। अपना बनकर खंजर तुमने भले ही हमारी पीठ पे मारा हो, लेकिन घाव हमारे दिल पे हुआ है। इसके बाद हम शायद तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं बॉन्दिता। आप ऐसे कैसे सोच सकते हैं? बस बहुत हो गई बातें। ये भी जासूस है, इसे कड़ा सबक सिखाना होगा, इसके सीने में गोली दागनी होगी। गोली तो क्या, उंगली तक नहीं उठा सकते तुम बॉन्दिता पर। भूलो मत, मैदान छोड़कर हम नहीं तुम भागे थे। वाह, देख ली मर्दानगी रॉय चौधरियों की। अगर जीत जाते तो जीत का सहरा अपने सर पर पहनते, और अब जबकि हार गए तो उसका दोष एक औरत के कंधे पर डाल रहे हो। अब अगर किसी ने बॉन्दिता को कुछ भी बोला तो आज इस खुशी का जश्न हम कृष्णा नगर वाले खून की होली खेलकर मनाएंगे। अरे अरे अरे, जब हार जीत का फैसला हो चुका है तो ये बहसबाजी कैसी? क्योंकि ये जीत बेईमानी से मिली है इनको, इनके ही आदमी ने बताया बॉन्दिता ने खेल खेला हमारे साथ। पर ये तो पागल है, इसकी बात का क्या मोल, ये तो झूठ बोल रहा है। देखिए आप लोग शांत हो जाइए, ये ठीक नहीं हो रहा। मैं जानती हूँ सखा बाबू, जिस तरह से आपके सामने सारी बातें आई हैं, उससे आप हैरान हैं। पर भरोसा रखिए अपनी बॉन्दिता पे, कि वो अपनी जान दे सकती है पर आपको धोखा नहीं दे सकती। चल बॉन्दिता, अब पंचायत में ही सारे सबूतों के साथ सुनवाई होगी, अब वहीं पर फैसला होगा। कल पंचायत में साबित हो जाएगा कि बॉन्दिता भेष बदल कर हमारे घर आई और हमें मुकाबले में हराने के लिए जासूसी की। चल ठाकुर मां, सखा बाबू मेरी बात तो सुनिए। हम सब तुलसीपुर छोड़कर जाना चाहते हैं। जंग जब आपके साथ ऐसा हो सकता है
तो हम सब कैसे सुरक्षित रह सकते हैं यहाँ पे? त्रिलोचन बाबू, हम ना केवल अपना ये वार्षिक मुकाबला हारे हैं, बल्कि हम तो अपना पूरी तरह से सुरक्षा कवच ही हार चुके हैं। हम मरना नहीं चाहते, हम तुलसीपुर छोड़कर चले जाएंगे। हम मरना नहीं चाहते, हम तुलसीपुर छोड़कर चले जाएंगे। कोई कहीं नहीं जाएगा। आप सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी रॉय चौधरियों की है, और हम रॉय चौधरी अपनी जान दे सकते हैं पर जिम्मेदारी निभाते हैं। कल की पंचायत में उन कृष्णा नगर वासियों को कड़े से कड़ा दंड दिलवाया जाएगा। कैसे सजा दिला पाएंगे आप? क्योंकि कोई और जासूस होता तो हम मान भी लेते कि आप कड़ा से कड़ा कदम उठाते। क्या आप बोंदिता को सजा दिला पाएंगे? क्या बैरिस्टर बाबू बोंदिता को सजा दिला पाएंगे? हाँ, जो भी हो, कभी तो आपका रिश्ता था ना उस बोंदिता के साथ। पूरे तुलसीपुर ने कीमत चुकाई इन दो गांव की दुश्मनी की। हमें याद है अपने सीने पर खाई हुई हर गोली का। क्या बैरिस्टर बाबू याद रखेंगे और कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे उस जासूस बोंदिता को? राजा जब सजा सुनाता है तो अपनी आंखों पे पट्टी बांध लेता है ताकि वो ये ना देख सके कि गुनाहगार उसका कोई पराया है या कोई अपना। रॉय चौधरी भी हर गुनाहगार को बराबर सजा देते हैं, और ये बात कल पंचायत में अनिरुद्ध रॉय चौधरी साबित कर देगा। ये हमसे झूठ बोलने के लिए, ये हमें शर्मिंदा करने के लिए, ये चोरी चोरी छुपकर रॉय चौधरियों के घर जाने के लिए, औरत की लज्जा और संस्कार को दाग पर लगाने के लिए। ये हमें दुख देने के लिए, ये हमारा विश्वास तोड़ने के लिए, और ये बस कीजिए ठाकुर, आप जान ले लेंगी क्या बांधता की? हाँ। ये क्या कह रही हैं आप ठाकुर मां? जो हुआ उसमें बांधता की गलती कहाँ थी? अब हम माने या ना माने, लेकिन बांधता का मन तो वही है उस अनिरुद्ध रॉय चौधरी के साथ। तो कोई समझा दे इसे, इसका रिश्ता खत्म हो चुका है उसके साथ। मुझे चीश, आग और माचिस कभी एक नहीं हो सकते। जी ठाकुर मां, पर अभी सबका समय नहीं है। अभी हम सबको मिलकर ये सोचना होगा कि कल पंचायत में सबके सामने बोंदिता को जासूस साबित होने से कैसे बचाया जाए। क्योंकि अगर कल बोंदिता जासूस साबित हो गई तो अपनी शर्त के अनुसार वो अनिरुद्ध रॉय चौधरी मेरे साथी प्रवीण से भी बहुत ज्यादा बुरा हाल करेगा बोंदिता का। कल पंचायत में बोंदिता की खाल उधेड़ देंगे, और ये मैं हरगिज नहीं होने दूंगा ठाकुर। होने तो हम भी नहीं देंगे। आपने कुछ सोचा है जमाई बाबू? जी, अपने आदमियों से कह दिया है कि वो सारे सबूत मिटा दे, और जिसने भी बोंदिता को वहां आते जाते देखा है उसे या तो पैसे देकर या अनाज देकर खरीद लिया जाए, उनका मुंह बंद कर दिया जाए। और वो कचहरी वाले बैरिस्टर घोष बाबू, उनको भी महंगे तोहफे भिजवा दिए। कल सबके सामने वो ये गवाही देंगे कि बोंदिता रोज कचहरी में उनके साथ काम करती थी, रोज। झूठे सबूत? पर क्यों? सच तो यही है ना कि मैं वहां पे जासूस बनकर नहीं गई थी। तू अपना मुंह बंद रखेगी और जैसा हम कहेंगे वैसा कहेगी। कल जब पंचायत में तुझसे पूछा जाएगा कि क्या तू रॉय चौधरियों के घर जाती थी, तो तू साफ मना कर देगी, कहेगी कि तू सिर्फ और सिर्फ कचहरी जाती थी, तू नहीं जानती वैजयंती को। मुझे जीश, दादा मैंने जांच करवाई है, आपके तिलक में, आपके कलाई बंद में, आपके पगड़ी में, सब में खतरनाक गंधक डाला गया था। ये देखिए, ये जांच की रिपोर्ट सबूत है इस बात की। दादा आप ही सोचिए, वैजयंती नहीं बोंदिता ने आपको वार्षिक प्रतियोगिता के दिन ही ये सब सामान क्यों भेजा? आप ही सोचिए दादा। याद है उस दिन प्रवीण आपको एक बात बताने वाला था कि वो चंद्रचूड़ को एक खबर देना चाहता था,
वो खबर यही थी कि बोंदिता अपना काम सही से कर रही है, पर पकड़ा गया तो बात बदल दी उसने। मुझे तो लगता है दादा, उस दिन कांच भी बोंदिता ने ही तोड़ा था ताकि हमारा ध्यान भटक जाए और वो प्रवीण को चुप करा सके। दादा, आपको एक लड़की का गहना मिला था, ये देखिए, ये भी बोंदिता का ही है। दादा, आपने दुश्मनी में भी दोस्ती निभाई और उसने दोस्ती में भी दुश्मनी का जहर घोलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दादा, और हम उन्हें समझा देंगे कि तुलसीपुर वाले अपनी हार की शर्मिंदगी छिपाने के लिए ये जासूसी का रोना रो रहे हैं। नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैं सच बोलूंगी। मैं कहूंगी कि मैं रॉय चौधरी हवेली वैजंती बनकर गई थी, पर दुश्मनी मिटाने, जासूस बनकर नहीं। बोंदिता, तेरी इस बात को मानेगा कौन वहां? मेरे सखा बाबू मानेंगे। मैं जानती हूँ, उन्हें उन्हें मुझ पे पूरा भरोसा है। मैं जासूस बनकर वहां पे कभी जा ही नहीं सकती। बोंदिता, इस सच का क्या परिणाम हो सकता, तू जानती है ना बेटा? माँ, मेरे सखा बाबू मेरे साथ कभी कुछ बुरा नहीं होने देंगे। शौती, ठाकुमा, तेरे सखा बाबू तेरे साथ बुरा नहीं होने देंगे, मैं तेरे साथ बुरा करूंगी। हाँ अनिरुद्ध, हमारी तुम्हारी संपूर्ण बहू के, यहाँ तक कि उन छोटे छोटे बच्चों की भावनाओं का, उनके भोलेपन का भी गलत फायदा उठाया है उसने अपने मकसद के लिए। अब हमारी बारी है, हम भी नहीं छोड़ेंगे। कल पंचायत में ये सारे सबूत पेश करेंगे और ये साबित करके रहेंगे कि वो कृष्णा नगर वालों की जासूस बनकर यहाँ पे आई थी और हम लोगों को मुकाबले में धोखे से हराया गया है, और ऐसी सजा दिलवाएंगे ना उस बोंदिता को कि उसकी रूह कांप उठेगी। तुझे पेड़ पे लटका दूंगी अगर तूने अपने मन की कही तो। मैं कहूंगी, अब चाहे आप जो कर ले, मैं सच कहूंगी कहूंगी कहूंगी। समझा ले अपनी लड़की को, कह दे इससे कि जैसा मैं कह रही हूं वैसा ये करेगी, वरना सारी उम्र तू भी आंसू बहाएगी और ये भी, समझी? अनिरुद्ध, वो मेरे साथ चलो। चुप कर, तू बोंदिता है ना? तू बोंदिता है, सच सच बोल, तू बोंदिता है। तू सबको सबको पागल बना रही है ना? पर मुझे नहीं बना पाएगी, मेरे को नहीं बना पाएगी पागल, तू सबको मार देगी। बाबा, पापा, मैं शाश्वती हूँ बाबा। शाश्वती है तू? तू शाश्वती है? मैं पागल हूँ क्या? मैं पागल हूँ? तू बोंदिता है? तू बोंदिता? पीछे पीछे सब पीछे हो जाओ, इसको बचाने की कोशिश मत करना, ये बोंदिता है। बाबा, चाकू लाइए यहाँ, फिर सबको मार देगी, सबको मार देगी। बिनोहे, नहीं नहीं मेरी बात समझो अनिरुद्ध, ये बोंदिता है, दिता ये झूठ बोल, ये बोंदिता है, झूठ चाकू ना बचा, अरे बाबा तू पकड़ 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 उसे, बाबा छोड़ दो छोड़ दो मुझे, बाबा चाकू पीछे, चाकू चाकू पीछे, को मारेंगे, सारे दुश्मनों को खत्म कर देंगे। किसको मारेंगे? किसको? चुप कर, हम समझते नहीं, बोंदिता है सबको मारते, किस दिन नकाब पहना हुआ है, इसे तो नकाब पहना है। बिनोहे, हाँ तुम सही कह रहे हो, हमसे बोंदिता को पहचानने में गलती हो गई, पर अब वो नकाब उतर गया है बोंदिता के चेहरे से, हम सब ने देख लिया है उसे। चिंता मत करो बिनोय, कल पंचायत में
हमारा अनिरुद्ध सब दूध का दूध पानी का पानी कर देगा और एक कड़ी से कड़ी सजा देगा उस बॉन्देता को। सबके पापा उन्हें प्यार करते हैं, मेरे पापा क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते माँ? तुम रो क्यों रही हो? नहीं क्यों रही है? नहीं रो रही, नहीं। बंदिता सबको मार देगी। बंदिता नहीं है वो। अनिरुद्ध, ले जा बिनॉय को। पापा, आइए हम लोग खाना खा कर आते हैं। आइए। देता हूँ, मैं आपके पास वैजंती बनकर आई सिर्फ एक ही मकसद से कि हमारी दोस्ती हो जाए। कल पंचायत में साबित हो जाएगा कि बौंदिता भेष बदल कर हमारे घर आई और हमें मुकाबले में हराने के लिए जासूसी की। माँ, रो रो के मर जाओ, इससे पहले तो जान ले ले मेरी बौंदिता। माँ, तू ये सब क्या कह रही है? बौंदिता, कल अगर तू जासूस साबित हो गई, तुझे कुछ हो गया तो क्या करूंगी मैं तेरे बिना? बौंदिता, तेरी बात मान ले, मुझे छोड़ दे बौंदिता, और कल तू पंचायत में जाके ये बोल देना कि तू वैजंती बनकर रॉय चौधरी हवेली पे नहीं गई थी। हाँ बौंदिता, मेरी बात मान ले, बाकी सबको चंद्रचूड़ जमाई बाबू संभाल लेंगे। नहीं मान, नहीं, मैं झूठ नहीं बोल सकती। मेरे सखा बाबू ने मुझे झूठ बोलना नहीं सिखाया, सच बोलना सिखाया, और मैं सच ही बोलूंगी। सखा बाबू, हाँ सखा बाबू, ये सच है कि मैं आपके पास वैजंती के भेष में आई, पर दुश्मन बनकर नहीं, दुश्मनी मिटाने। मेरा भरोसा कीजिए। भरोसा? वो भी दुश्मन पे? इसीलिए तो आपको बेवकूफ बनाना इतना आसान था। अब देखिए ना, आपको पता भी नहीं चला और आप अपने दिल की राज कहते चले गए। आपको याद है कैसे आपने कहा था कि आपके दिल में सिर्फ बौंदिता है? याद है? बौंदिता है वो जो मेरे दिल में है। नहीं नहीं सखा बाबू, आप इसकी बात बिल्कुल मत सुनिए। आप मेरी आंखों में देखिए, बताइए क्या दिखता है इनमें आपको? धोखा? क्या भरोसा? दुश्मनी या प्यार? और जिनसे हम प्यार करते हैं उन्हें हम धोखा नहीं देते, हम तो उनके लिए अपनी जान देते हैं। शौती, शौती? वैसे लोग सही ही कहते हैं, प्यार में इंसान कमजोर हो जाता है। अब देखो ना, जिस बैरिस्टर बाबू को कोई नहीं हरा सकता, कोई भी नहीं, लेकिन उसे प्यार ने हरा दिया, उसके ही प्यार ने हरा दिया, प्यार ने हरा दिया। नहीं सखा बाबू, प्यार में हार करी तो इंसान दुनिया जीतता है, और हम हारे नहीं है, हमें एक होना है और ये पूरी दुश्मनी मिटा देंगे। अच्छा, दुश्मनी को मिटाना है या दुश्मन को? बता बौंदिता, बता। दोस्त को बचाना है, प्यार को बचाना है, पर दोस्त और प्यार बचे ही कहाँ है? तुम्हारे धोखे ने तो सब खत्म कर दिया। नहीं, मैंने कोई धोखा नहीं किया। अच्छा, पर दुश्मन से प्यार की बातें करना भी धोखा ही है। नहीं, प्यार तो पूजा है, समर्पण है, अपनापन है, विश्वास है, भरोसा है,
और मैं जानती हूँ मेरे सखा बाबू को मुझ पे पूरा भरोसा है, वो मेरा सच जरूर देखेंगे। नहीं, ये तेरा झूठ देखेंगे। पर मैं सच कह रही हूँ, झूठ देखेंगे। मैं सच कह रही हूँ। तुम झूठ कह रही हो। मैं सच्ची हूँ। तुम झूठी हो। मैं सच्ची हूँ। अकेला छोड़ दो मुझे, अकेला छोड़ दो। बोंदिता, बोंदिता, ये सच जान ले लेगा तेरी। बेटा पता नहीं कल पंचायत क्या सजा सुना दे। मेरा दिल बहुत बहुत घबरा रहा है बोंदिता, बहुत। पर माँ, मेरा दिल बिल्कुल नहीं घबरा रहा है। जानती है क्यों? क्योंकि ये जानता है कि मैं सच बोल रही हूँ। और माँ तू डर मत, एक सच हजारों झूठ से अकेले लड़ सकता है। कल वो चाहे जितने भी सबूत दे दे मेरे खिलाफ, पर मैं जानती हूँ मेरे सखा बाबू उन पे कभी भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि मैं उन्हें कभी धोखा नहीं दे सकती। वो पहले भी मेरे रक्षक बाबू थे और कल पंचायत में मेरे रक्षक बाबू बनकर मेरी रक्षा करेंगे। देखना माँ, ऐसा ही होगा। बोंदिता, तेरे विश्वास पर सवाल नहीं कर रही हूँ मैं, पर माँ हूँ मैं तेरी, और माँ होने के नाते मुझसे वादा कर, मुझसे वादा कर बोंदिता, कल चाहे कुछ भी हो जाए तू पंचायत में सच नहीं बोलेगी। बेटा तुझे कुछ हो गया तो मैं अपनी जान दे दूंगी बोंदिता, मैं बता देती, वादा कर। कहा था साथ रहूंगा, बनूंगा मैं तेरा साया, पर तेरे संग कुछ कदम भी मैं नहीं चल पाया। तू सही थी, तेरी उलझन मैं समझ ही न पाया। तू गई तो क्यों न जाने कोई कमी सी लागे रे, रिश्ता तेरा।